क्या कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान की सेना के इशारे पर ही मुस्लिम देश कतर में भारतीयों को मौत की सजा मिली है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, और ये वजह हैं दो तस्वीरें। तस्वीर नंबर ए, ये तस्वीर इसी साल मार्च के महीने की है जब पाकिस्तान और कतर के सैन्य अफसरों की मुलाकात हुई। शक है कि यहां उन 8 भारतीयों को सजा देने पर चर्चा हुई होगी। अब इस शक को और मजबूत करती हुई दूसरी तस्वीर देखिए, यह है तस्वीर नंबर दो। तस्वीर जून 2022 की है जिसमें कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद और पाकिस्तान के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद नियाजी के बीच मीटिंग हुई। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के ठीक कुछ दिनों के बाद अगस्त 2022 से ही उन 8 भारतीयों को कतर की जेल में डाल दिया गया था। मगर कतर के इस फैसले के पीछे साजिश की बू आ रही है। इस शक की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, कतर की अदालत ने मौत की सजा तो दे दी, लेकिन सरकार ने अब तक उन भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के नाम पर बस कतर की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कहा गया है कि उन भारतीयों पर कथित तौर पर जासूसी के आरोप हैं। आरोप है कि 8 नागरिक इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन कतर सरकार ने ऐसे किसी भी आरोप पर बयान नहीं दिया और न ही भारत को इन आरोपों पर कोई जानकारी दी गई। ये सभी भारतीय कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। अब यहाँ आती है शक की दूसरी वजह। कतर ने अल दाहरा कंपनी के मालिक ओमानी नागरिक को छोड़ दिया, जबकि 8 भारतीयों को पकड़कर मौत की सजा दे दी। कतर के इस रवैये और पाकिस्तानी अफसरों से मुलाकातों के बीच इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। इधर मुस्लिम देश कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सभी भारतीयों को कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। भारतीयों को सजा की खबर सुनने के बाद सरकारी महकमों से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हावी है। We cannot accept that Indian citizens can be sentenced to death for what? We don't even know the public. The trial was behind closed doors. The sentencing, no one knows the reasons, anything like this. It's terribly shocking and I must say unacceptable. I hope that the Indian government will take it up very strongly with the highest level of authorities in Qatar and that as a result we will have some satisfactory outcome. भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए सरकार के पास अभी भी कई विकल्प हैं। सरकार चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की मदद ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी दया याचना संभव है। कूटनीतिक तरीके से भी केस सुलझ सकता है। कतर के साथ कानूनी समझौता हुआ तो भी बचाव संभव है। मित्र देशों की मदद से भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। कतर सरकार से क्षमा याचना की अपील भी की जा सकती है। हम इनको वापस लेके आएंगे सर, ये भारत की ताकत है और कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो, ये भारत नहीं है। और अगर हम चाहें, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूं, इफ वी वांट टू हर्ट कतर सर, हम काफी उसका नुकसान कर सकते हैं अगर हम चाहें। 7 लाख के लगभग हम भारतवासी वहां काम करते हैं, हम नहीं चाहते हमारे संबंध बिगड़े उनके साथ, लेकिन इसको मेगाफोन डिप्लोमेसी के बजाय हम लोग क्वाइटली इस मामले को रिजॉल्व करेंगे और ये जो हमारे बंदी वहां पर हैं ये वापस आएंगे। अब इन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की तरफ से कैसे कदम उठाए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस मामले में कहीं भी पाकिस्तान का हाथ हुआ तो निश्चित तौर पर उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.